गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हर हर महादेव। सुबह के बजे है आज 7 और आज मुझे थोड़ा काफ़ी लेट हो गया बिकॉज सुबह का जो वातावरण था धुम्मस था, तो मैं वहाँ से निकल नहीं पाया। तो अभी मैं निकल रहा हूँ शिव मंदिर से, और कल मैंने 80 किलोमीटर समथिंग मैंने कल क्रॉस कर दिया था, और शाम को रहने की व्यवस्था मतलब शिव मंदिर में मेरी हो चुकी थी, इसलिए मैं शाम को ही रुक गया था। तो अभी शिव मंदिर से निकलते और चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस, मैं ऐसे जा रहा था तो एक भाई मिले जो मेरी सारी वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली मेरी साइकिल देखी और मुझे उन्होंने खड़ा रखा और स्पेशली मेरे लिए आगे से ये शरबत लेके आए थे, तो मेरा शरबत भी पिया। और सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने, किसी ने बोला कि साइकिल वाला भाई साहब मतलब जो साइकिल चला रहे वो आगे गए, तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए गाड़ी लेके। तो भाई साहब थैंक यू। हाँ भैया, कोई बात नहीं, वो हम आपकी वीडियो देखते हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हो आप, तो समाज को भी अच्छा आप एक प्रेरित कर रहे हो कि भाई पर्यावरण को भी, बर्ड को, एनिमल को, सबको मतलब सेव कर रहे हो, बचा रहे हो आप। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये यहाँ से तकरीबन, ये जहाँ से भाई आए अहमदाबाद से, यहाँ से तकरीबन 1000 या 1100 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, तो हमें भाई से मिलकर अच्छा लगा। मैं भाई की सब वीडियो देखता हूँ और भाई को फुल सपोर्ट हमारी साइड से, जैसा ही बोलेंगे हम वैसा करेंगे, और अच्छा लगा बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हो ये रोड कितना सुनसान है यार, और सुनसान रोड में मैं चला रहा हूँ साइकिल, और मेरी सिविल एरिया हवा कितनी आ रही है, जो साइकिल भी कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो भी धीरे धीरे से मैं साइकिल को कंट्रोल कर रहा हूँ और आगे की ओर निकल रहा हूँ। लास्ट ये रास्ता मुझे ऐसा लग रहा है हरिद्वार तक ऐसा रहेगा या पता नहीं कहाँ तक ऐसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे मिले काफी दोस्त, वापस मेरी साइकिल को उन्होंने स्टॉप किया और रुका और बोला यार आप इतने सुनसान रोड पे अकेले साइकिल चला रहे हो, तो काफी उनको मतलब मेरे लिए तो एक अच्छी सी फीलिंग। और सब साथ में हम कहेंगे हर हर महादेव। हरियाणा वाले, दिल वाले, हरियाणा। थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलकर बहुत काफी अच्छा लगा, क्योंकि सुनसान रोड में मुझे कुछ नहीं मिला था, कम से कम आपने गाड़ी खड़ी रखी। ओके। गाइस, फिलहाल मैं हूँ भैसूर खुर्द करके गांव है हरियाणा में, तो आज यहाँ पे जो शिव मंदिर है यहाँ पर मेरा आज होल्ड रहेगा। तो पता नहीं, जब से मतलब हरियाणा में तब से मेरा होल्ड शिव मंदिर पे हो रहा है, और अच्छी बात है कि शिव जी की कृपा से मैं उनके चरण में ही आश्रय ले रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ का जो मंदिर है काफ़ी अच्छा है ये भी, और बड़ा मंदिर है। गाइस, ये है यहाँ का मंदिर, शिव मंदिर, और मंदिर के पीछे है तालाब, और ये मेन हाईवे पे ही आया हुआ मंदिर है, मंदिर के पीछे तालाब है। और जब से मैं आया हूँ हरियाणा में, तब से मतलब मैं शिव मंदिर में ही मैं ज्यादातर रह रहा हूँ, और यहाँ पर इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और हरियाणा में अधिकतर आपको शिव मंदिर ज्यादा देखने मिलेंगे। अब जब भी हरियाणा से निकलोगे तब आपको शिव मंदिर ज्यादा ही यहाँ पर है, जैसे हमने राजस्थान में देखा, राजस्थान में बालाजी मंदिर ज्यादा है, मतलब हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है, वैसे हरियाणा में ज्यादातर मंदिर आपको शिव जी के ही देखने को मिलेंगे। तो ये है यहाँ का शिव मंदिर, और आज नाइट होल्ड मुझे यही करना है, और अक्सर मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ, क्योंकि सबको मैं दिखाना चाहता हूँ मंदिर के, कभी आप यहाँ से निकलो तो आपको यहाँ पे कहीं रेस्ट करना हो या आपको रुकना हो तो उसके लिए आपको भी इजी रहे, तो इसके लिए मैं हमेशा मंदिर की मंदिर के जो साइट सीन है वो हमेशा आपको मैं ज़्यादा बताता हूँ। तो फ्रेंड, आज मैंने 70 किलोमीटर साइकिल क्रॉस की, और यहाँ से यूपी की बॉर्डर है 65 किलोमीटर जो मैं कल क्लियर करूँगा। तो आगे मुझे रहने की सुविधा की दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आगे से अगर 30 किलोमीटर जाओगे तो ये आपको कोई अच्छी सी धर्मशाला मिल सकती है, मंदिर जैसा कुछ परिसर मिल सकता है,
इसलिए मैं आज 70 किलोमीटर क्रॉस करके आज मैं यही रेस्ट करूंगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। और आज सुबह मैं शिव मंदिर से निकल गया हूँ और अभी जा रहा हूँ आगे की ओर। बट शिव मंदिर के पास में एक घर है, वहाँ पे मुझे भैया ने मॉर्निंग टी ब्रेक के लिए इनवाइट किया। रात को उन्होंने मुझे लंच के लिए काफ़ी बोला था, बट मंदिर से मेरा प्रसादी हो गई थी तो मैं इनके घर पे नहीं आ पाया, इसलिए अभी मैं आया हूँ इनके घर पे। तो भैया के घर पे गाय है। और एक बात बता दूँ, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे आपको हर घर में गाय और ज़्यादातर आपको यहाँ पे खेती बाड़ी ही देखने को मिलेगी, इसलिए इसे कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। तो इसे भैया सच्ची मुझे पूरे नाइट मेरा ख्याल रखा और मॉर्निंग में मुझे घर पे बुलाया। और आंटी तो बहुत ही अच्छी है, अभी भी मुझे जाने नहीं दे रही थी लेकिन मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, बोलते दोपहर में जाना, अभी मौसम ख़राब है, ये है वो है, मतलब मुझे अभी जाना भी ज़रूरी है। आंटी हर हर महादेव, बस आप सबके आशीर्वाद रहे और मैं यात्रा आगे बढ़ाऊँ। और ये आंटी ने वो गाय रखी है, काफ़ी अच्छी तरह की इनसे केयर करते हैं और अच्छा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा कृषि प्रधान देश है, आपको हर घर में मतलब 80% घर में आपको गाय और खेती बाड़ी ही देखने को मिलेगी। और तो फिलहाल मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और यहाँ से यूपी बॉर्डर है 65 किलोमीटर। और सच्ची में हरियाणा का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, हरियाणा के लोग मुझे काफ़ी बहुत अच्छे लगे। और कल भी मैंने देखा तो हर दो से तीन किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई गाड़ी वाला रुकता था और मुझसे बातचीत करता था और मुझे काफ़ी अच्छा मतलब बोला, आप इतने दूर से आए हो, आपने यात्रा कैसे इतनी पूरी की, आप आगे कैसे जाओगे, और कोई सेल्फी, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, वो अभी बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा। और सच्ची में यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और शिव जी को ज़्यादा पूछते हैं, शिव जी को ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ पे हर जगह पे आपको शिव मंदिर देखने को मिलेंगे। तो गाइस मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, काफ़ी अच्छे दोस्त मिल गए मुझे और हम इनसे कुछ पूछेंगे। भाई आप सब क्या कहते हो महादेव के बारे में? हम तो है भोले के दीवाने, हर हर महादेव आन की जय। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर मी सपोर्ट। हाय हाय फैमिली, ठीक है, फुल सपोर्ट। फाइनली गाइज, मौसम इतना ख़राब था कि साइकिल भी नहीं चल रही थी और मेरे नसीब इतना अच्छा काम कर गए कि जैसे पेट्रोल पंप आया और वहीं बारिश शुरू हो गई। और सडनली पेट्रोल पंप के अंदर आया और मैंने अपनी साइकिल को इधर पार्क कर दिया। तो पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि पीछे शेड है, वहाँ पे आप साइकिल रख दो, आपका सामान भी नहीं फिकेगा। तो शेड के नीचे मैंने अपनी साइकिल को पार्क कर दिया, गुड लक कि मेरा सामान भीगते भीगते बच गया। और आप देख रहे हो सामने बारिश शुरू हो गई है और हवा इतनी ज़ोर से आ रही है कि साइकिल मतलब मेरे बैलेंसिंग में भी नहीं रही है। तो अभी फिलहाल हो रही है बारिश और यहाँ से यमुना बॉर्डर मतलब जो यूपी की बॉर्डर बोलते हैं, यमुना नदी क्रॉस करते यूपी की बॉर्डर शुरू हो जाती है, वो यहाँ से खाली 4 किलोमीटर है और मैं 4 किलोमीटर से मैं रह गया। फिलहाल तो मैं इधर होल्ड कर रहा हूँ पेट्रोल पम्प पे, तो सबसे सेफ जगह पेट्रोल पम्प, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामान भी सेफ, साइकिल भी सेफ और मैं भी सेफ। तो फिलहाल मैं बैठा हूँ पेट्रोल पंप में और अभी सर की जो ऑफिस है इसके अंदर बैठा हूँ और बारिश बंद होने का और थोड़ा मौसम चेंज हो उसका वेट कर रहा हूँ। तो सर ने बोला बार मत खड़े रहिए, आप अंदर आ जाइए। तो सर को थैंक यू कि मतलब एक समय ऐसा आता है कि जब किसी को मतलब जगह देना बहुत अच्छी बात है। तो सर को थैंक यू एंड ऑल स्टाफ सबको मेरी तरफ से थैंक यू। फुल बारिश स्टार्ट हो गई है हरियाणा में, बस यहाँ से जस्ट थोड़ा ही बाकी था बट मौसम बिगड़ गया और यहाँ पे जोर से बारिश और हवामान काफ़ी तेज़ी से हवा चल रही है। तो गुड लक भाई कि मुझे कोई अच्छी से जगह मिल गई। तो फ्रेंड फिलहाल मैं वो हरियाणा यूपी बॉर्डर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये है हरियाणा। और जैसे मैं ये यमुना नदी क्रॉस करूँगा तो आ जाएगा यूपी। तो ये बॉर्डर के बीच में खाली एक नदी का फैसला है, नदी क्रॉस किया तो यूपी और नदी के इस पर हरियाणा। तो चलता हूँ मैं यूपी की तरफ। ये है यमुना रिवर, यमुना नदी, और यहाँ पर भी देख सकते हो पूरा हरा भरा। और
सामने है चेक पोस्ट। अभी मैं बागपत बड़ोद एकड़ा विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है, मतलब मैं अभी खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश यूपी में। और तो उत्तर प्रदेश की मेरी ये फर्स्ट चाय, तो सर जी है यहाँ के रहने वाले जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, तो सबसे पहले उनको थैंक यू मैं कहता हूँ। और दूसरा मतलब मौसम यहाँ पे भी थोड़ा बारिश जैसा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मुझे बड़ोद पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रहने की व्यवस्था अच्छी है, तो फिलहाल मैं बड़ोद जाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड मैं आज आया हूँ श्री गुफा वाले बाबा के मंदिर पर। तो ये मंदिर पश्चिमी यूपी बागपत यमुना नदी के थोड़े से ही दूर आया हुआ है। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है, और आपको यूपी में ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जो चमत्कारी है। तो आइए मैं आपको ये मंदिर बताता हूँ, और मंदिर की कुछ कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है गुफा वाले बाबा जी की समाधि, और ये गुफा वाले बाबा जी की समाधि है, और उनके पीछे गुफा वाले जो बाबा हैं उनकी मूर्ति बनाई गई है। और आप ये मंदिर के ऊपर से देख सकते हो, पूरी शीशे से बना हुआ ये मंदिर है। और बाबा ने भैंसे को जो श्राप दिया था, तो उसकी वो फोटो आपको ऊपर दिख रही है। तो पूरे विश्व में भैंसे का मंदिर एक है, जहाँ भैंसे की पूजा होती है, वो मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे बाबा ने उसको श्राप दिया था। और ये बाबा जी की समाधि है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा यह मंदिर है। और जो और मंदिर के पास में एक मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी, गणपति जी और शंकर जी बैठे हैं। और यहाँ पे हनुमान सेना तो काफ़ी आपको देखने मिलेगी, बट अभी नाइट है तो अभी आपको देखने नहीं मिलेगी। और इस तरफ हर संडे को यहाँ मेला लगता है। वो तो गुफा वाले बाबा की समाधि की कहानी इस तरह है कि बहुत सालों पहले एक यहाँ पे बाबा हुआ करते थे, बड़े चमत्कारी थे, और हमेशा वो एकांत जीवन जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो कुछ सालों पहले एक बड़ी बात ऐसी है कि वो हर रविवार को, वो हर सप्ताह में एक ही दिन भिक्षा मांगने जाया करते थे। तो गांव में कुछ 5 घर ऐसे थे, उनके घर से ही वो भिक्षा मांगते थे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक भैंसा था जो लोगों को बहुत मारता था, परेशान भी करता था। तो एक बार उस वो भैंसे ने बाबा को मारने की कोशिश की, तो बाबा ने उसको श्राप दे दिया कि तू पत्थर का बन जाएगा। तो उसी समय वो वहाँ पर पत्थर का बन गया, और आज भी वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक खेत है, खेत के बीच में वही वो भैंसा पत्थर का बना हुआ है, और लोग वहाँ पर जाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पूरे विश्व में भैंसे का एक ही मंदिर है और वो वहाँ पे है, और लोग वहाँ पे पूजा भी करते हैं। जो भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और यहाँ से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो उनकी इच्छा हमेशा पूरी होती है, ऐसा यहाँ का कहना है। और हर रविवार को यहाँ पे इतना बड़ा मेला लगता है कि लोगों को खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलती है, क्योंकि तो बाबा हर रविवार को भिक्षा मांगने जाया करते थे, इसलिए यहाँ पर रविवार के दिन ही मेला लगता है। और ये मंदिर इतना बड़ा और विशाल है, बट अभी नाइट है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, और कल मॉर्निंग में मैं आपको भैंसे की जो समाधि है जहाँ पे लोग वहाँ पे भी दर्शन करने जाते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर भी ले जाऊँगा। और इस मंदिर के गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कल शाम को आपको मैंने मंदिर भी दिखाया था बाबा का, और अभी जा रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए भैंसे की समाधि, जो खेत के बीच में पीछे से रास्ता निकलता है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रास्ता। तो ये रास्ता खेतों के बीच से निकल रहा है, और सामने आपको वहाँ दिख रहा है वो है भैंसे की समाधि। तो ये है वो मंदिर, जय गुफा वाले बाबा की, और यहाँ पर है भैंसे की समाधि, आप देख रहे हो। तो ये वो है पत्थर जिसको बाबा ने श्राप दिया था, और इसी जगह पे भैंस पत्थर बन गई थी। और उसके बाद में यहाँ के जो यहाँ का जो ये जो फोटो है बाबा श्राप देते हुए, और उसके बाद में कुछ सालों बाद भी इनको जेसीबी से निकालने की भी कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी इसको बाहर निकाले, बट ये पत्थर निकल ही नहीं पाया, यहाँ से हिल ही नहीं पाया।
क्योंकि ये एक चमत्कारिक जगह है, इसलिए यहाँ पे लोग दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाया था, बट जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब नहीं लगा कि ना सांस ये सब कुछ सही है, और काफी यहाँ पे चमत्कारिक है। और ये पत्थर है जो भैंस थे उसको श्राप दिया और वो पत्थर बन गया, और वो यही पत्थर है। और रविवार के दिन यहाँ पे बहुत ही काफी भीड़ होती है और लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। जो गुफा वाले बाबा की समाधि पे दर्शन करते वो सब यही दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स देखा, और आसपास में सब जगह खेत है, और खेत के बीच में ये मंदिर है। तो यहाँ पर आने के लिए खेतों से होके आना पड़ता है, और काफी अच्छा मंदिर है, एक चमत्कारिक मंदिर है। और तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा तपस्या कर रहे थे तो ये तपस्या बार बार भंग करने की कोशिश कर रहा था, तो बाबा ने इसको श्राप दिया था कि तू पत्थर बन जा, तो वो पत्थर बन गया। मतलब बहुत सारी कहानी है कि कोई बोलता है कि बाबा की तपस्या भंग किया तब उनको श्राप मिला है, और कुछ का कहना ये है कि बाबा जा रहे थे और उनको मारने की कोशिश की थी तब इसको श्राप मिला था कि पत्थर बनने का। तो फिर अंत में बाबा ने इसकी यहाँ पर समाधि बना दी और खुद बाबा ने वहाँ पर समाधि ले ली। तो ये बाबा का एक चमत्कार है। तो ये है मंदिर के सुबह का दृश्य, श्री गुफा वाले बाबा का मंदिर, और ये सुबह का दृश्य यहाँ का। और आसपास में बाजार भी भरा हुआ है, फिलहाल बाजार 9:30 बजे बाद खुलेगा, आप देख सकते हो। तो सुबह गुफा वाले बाबा के दर्शन करने के बाद चलता हूँ मैं आगे की ओर,